जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद है नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के गांव कुवी में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के मतदाता। और आपको बता दूं कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में उतरना शुरू कर दिया है और बैठकों का दौर, रिव्यू का दौर जारी है, क्योंकि देश में नई सरकार का गठन करना है। आपको बता दूं कि देश में केंद्र में सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 272 सीटों की हर दल को आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जनता जनार्दन का मन क्या है, लेकिन इस देश की जनता क्या चाहती है, इस देश का किसान क्या चाहता है और खास करके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की आवाम क्या चाहती है। आपको बता दूं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं और यहां के वर्तमान सांसद हैं कुंवर दानिश अली। क्या यहां की जनता फिर से कुंवर दानिश अली पर विश्वास जताएगी या फिर इस बार अपना सांसद बदलने वाली है? वैसे आपको बता दूं यहां से भारतीय जनता पार्टी से भी एक बड़ी लिस्ट है दावेदारों की और गठबंधन सपा गठबंधन से भी बड़ी लिस्ट है दावेदारों की। आपको बता दूं क्योंकि 2019 के हुए लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था, जिसको लेकर ये सीट बहुजन समाज पार्टी को छोड़ी गई थी और यहां से बसपा का सांसद बना था, लेकिन जैसा कि अब राजनीतिक मुद्दे बता रहे हैं, जैसा कि राजनीतिक माहौल बता रहा है कि अमरोहा लोकसभा की सीट गठबंधन यानी कि सपा को छूटने के ज्यादा चांसेस यहां बताए जा रहे हैं, जैसा कि सपा हाईकमान के सूत्रों ने हमें बताया है, उसी को लेकर के हम यहां पहुंचे हैं कि आखिर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की आवाम का मूड क्या है, यहां के किसानों का मूड क्या है, क्योंकि ज्यादातर अधिक से अधिक वोट यहां का किसान ही डालता है और किसानी घंटों में लाइन लगता है, वोटों की वोट डालने के लिए लाइनों में लगता है और यहां अपना एक जनप्रतिनिधि चुनता है। इसी को लेकर के जनता का मन क्या है, यहां का किसान क्या चाहता है, यहां के मतदाता क्या चाहते हैं, उनका नेता, उनकी सरकार, उनका एमपी कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी आपका नाम? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र सिंह जी, देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपको अपनी सरकार का गठन करना है, किस पर भरोसा जताएंगे इस बार, गठबंधन या भाजपा? इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन क्यों? जी इंडिया गठबंधन क्यों कि बीजेपी वालों ने हमारे गांव का कड़का कर दिया, हम बीजेपी को किसी भी कीमत पर वोट देंगे। अगर इंडिया गठबंधन से हमारे सरजीत सिंह को टिकट होता है, इन्होंने एमपी साहब को मार दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, अगर सरजीत सिंह को टिकट होगा इंडिया गठबंधन तो हम सरजीत सिंह के साथ रहेंगे। किसको मार दिया? चौधरी चंद्रपाल सिंह, जो यहाँ कैबिनेट मंत्री थे, किसानों के मसीहा थे, यहाँ चौधरी चरण सिंह से बात, चौधरी चंद्रपाल सिंह किसानों के मसीहा थे। उनको कैसे मार दिया, क्या हुआ? उन्होंने ऐसा, जिला पंचायत अध्यक्ष थी उनकी पुत्र वधु, उन्होंने बीजेपी वाले के सारे गैंग ने इन्होंने मिलकर उन्हें हटाया और उनके साथ बहुत रुपए की लूट खसोट करी और किसी ने पैसा वापस नहीं दिया उन्हें। फिर क्या, अब जो हम अब सरजीत सिंह को अगर इंडिया गठबंधन से टिकट होता सरजीत सिंह के साथ रहेंगे। ये बताइए, भाजपा पूर्ण बहुमत के दावे कर रही है, इस बार राम मंदिर बना चुकी है, 370 हटा चुकी है, हिंदुत्व का नारा वो बुलंद करके चल रही है, ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो भाजपा 400 प्लस का नारा लगा रही है, क्या वो बहुमत के आंकड़े को छू पाएगी? ना, बहुमत भाजपा का किसी कीमत पर नहीं आने का, ये तो एक मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा पेट जो है हमारा किसानों की जो फसल के फसल को गन्ने का रेट और जो दुगने आय का वो भाजपा वो कर रही थी प्रचार, दुगने आय ने किसान गर्त में चले गए, सब किसान कर्ज में डूबा हुआ आज के समय में। चलिए, किसान जैसा ये, क्योंकि किसान बेल्ट इसको कहा जाता है नौगांवा विधानसभा क्षेत्र में, अधिकतर मतदाता, अधिकतर लोग यहाँ पर किसान ही यहाँ निवास करते हैं और वही वोट डालने जाते हैं, जैसा कि इनका कहना है कि भाजपा द्वारा दावे किए जा रहे थे बड़े बड़े कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन जैसा इनका कहना है कि किसान व्यर्थ में चला गया है, कर्ज में दबा हुआ है और उससे गन्ने का जो भुगतान है वो भी समय पर नहीं हो पा रहा है और गन्ने का मूल्य भी नहीं बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत केंद्र में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। जी आपका नाम? मायाराम सिंह। मायाराम सिंह जी, आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है वोट देने का, ऐसे में क्या आपको लगता है कि गठबंधन या फिर भाजपा? भाई हम तो पीड़ित हैं बहुत जी इस बीजेपी के,
एक साल से ज्यादा तो हमारे महिलाएं बच्चे धरने पर बैठे हैं और डबल इंजन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी के पास तक भी होकर आया हूँ, मुझे लेकर गए थे और उन्होंने वायदा भी करा था, तब भी हमारे पैसे नहीं मिल रहे। हमसे इधर भी चार गुना दे दिया, इधर भी चार गुना दे दिया और हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं मेरी पत्नी को चार गुना मिल गया और मुझे नहीं दे रहे जी। बताओ ये चारों तरफ मिल गया, क्या वजह है? जब ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, हम क्या करेंगे डबल इंजन की सरकार का भाई जी। जब हमारा यहाँ और किसान दूसरा कैसे मान लेगा, आप ये बताओ। चार गुना मतलब ये रेट जो है सर्किल रेट, सर्किल रेट का चार गुना हम मांग रहे हैं। इधर मिल गया, इधर नहीं मिला, मतलब हमसे चारों तरफ दे दिया जी। और हम दिन रात भज रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, नेताओं से कह रहे हैं। मैं सारे नेताओं पर गया, तरारा जी पे, महेंद्र खड़कवंशी जी पे भी, और सारे डॉक्टर हरिचंद ढिल्लो जी हैं, सारों पे मैं गया हूँ। मगर भी हमें पैसे दिलवा दो पर साहब, वहाँ मुख्यमंत्री ने कह दी हाँ दे देंगे, कोई नहीं दे रहा। कितना समय हो गया आप लोगों को धरने पर बैठे? एक साल हो चुका लगभग, एक साल लगभग एक वर्ष बैठे हमारी महिलाएं बच्चे। आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर मेरे बराबर में एक नहर है और ये पीछे आप ये तंबू लगा हुआ देख रहे हैं, झोपड़ा डला हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर एक साल से कुबी के जो ग्रामीण हैं, कुबी के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो धरने पर बैठे हैं क्योंकि इस साइड जो जगह है यहाँ पर इन लोगों को पूरा मुंह मांगा मुआवजा दिया गया है। लेकिन आगे के जो लोग हैं, आगे जो उनकी जमीन यहाँ सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई है, उनके लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है पूरा जो उनको देना चाहिए था। इसी को लेकर के इसके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। जैसा कि इनका कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ तक का दरवाजा खटखटा कर आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ आपको पैसा दिलाया जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी भाजपा का नेता या किसी सरकारी अधिकारी ने इनकी खबर नहीं ली है। यह अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं, ना इनको पैसा मिल रहा है, लेकिन ये अपनी शिकायतें, अपनी दरख्वास्त, अपनी गुहार अधिकारियों और नेताओं पर और मंत्रियों और मुख्यमंत्री के पास जरूर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कान पर जो नहीं रेंग रही है। अभी भी इनका धरना यहाँ पर लगातार जारी है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करूं मैं, यहाँ से यहाँ किस पार्टी का आपको वर्चस्व दिख रहा है? कौन यहाँ से भाजपा जीतेगी, क्योंकि 2019 में भाजपा हार चुकी है, क्या लगता है आपके अनुमान से? फिर वही जीतेगी यहाँ तो गठबंधन। फिर गठबंधन क्यों जीतेगा? गठबंधन यो जीतेगा कि यहाँ एक चौधरी चंद्रपाल सिंह किसान नेता थे जी, इस जिले के, और वो बहुत ईमानदार छवि के आदमी थे। बीजेपी की सरकार में वो लड़ गए, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया और उस सरकार ने उनका पद छीन लिया जी। वो इस घटना में चले गए और इस क्षेत्र को दुख है, सारों को, सारे किसानों को यहाँ दुख है। अगर उनके लड़के को सरजीत सिंह को यहाँ से टिकट होता तो हम लोग खुल खुल के डट डट के वोट उन्हें देंगे जी। और मांग करते हैं हम गठबंधन से भी कि चौधरी सरजीत सिंह को जाट होने के नाते यहाँ टिकट दिया जाए जी। जिताएंगे जी, जाट होने के नाते सरजीत सिंह को टिकट होने की मांग कर रहे हैं गठबंधन से। आपको बता दूं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1,80,000 यहां पर जाट निवास करता है और लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है, इसलिए कहीं ना कहीं सपा गठबंधन को भी बेहद सोचकर विचार कर सक्रिय होकर के सतर्कता के साथ टिकट देने में सतर्कता जरूर बरतनी होगी, अन्यथा परिणाम घातक सिद्ध हो सकते हैं। आगे यहाँ हमारे साथ काफी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा क्योंकि आधी आबादी का हिस्सा महिलाओं को कहा जाता है, इनका क्या रुख है लोकसभा चुनाव को लेकर के, इनसे बात करेंगे जी। आपका नाम? बबीता जी। बबीता जी, एक साल से आप धरने पर बैठी हैं, क्या वजह है? सर ये मध्य गंगा नहर की वजह है, क्योंकि हमारा मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा, सर्किल रेट का चार गुना मिलना चाहिए। अब बताओ हमारी थोड़ी थोड़ी जमीन है वो चली जाएंगी नहर में, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे जी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मुआवजा सही से मिले, हम चार गुना सर्किल गेट का तो हम जमीन दे देंगे, वरना हम जमीन नहीं देंगे, इतने हम खोदने नहीं देंगे। कब से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? साल भर ही होने वाला है, एक साल होने वाला है, 27 फरवरी को एक साल हो जाएगा जी। भूख हड़ताल पे भी और वैसे भी हम बैठ गए हैं। देखिए देश का किसान इनको कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, लेकिन भाजपा की सरकार होने के नाते यहाँ पर किसान एक साल से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के उत्थान की बात करती है, किसान सम्मान निधि की बात करती है, लेकिन यहाँ पर इनको इनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिलाया जा रहा, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये एक बड़ा विषय है, आगे बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव है, क्या इस बार गठबंधन पर विश्वास जताएंगी या फिर भाजपा पर?
हम तो गठबंधन पर विश्वास जताएंगे। गठबंधन पर क्यों? क्योंकि गठबंधन हमारा साथ देगा। गठबंधन साथ देगा। अच्छा, एक साल से भाजपा आपको परेशान कर रही है, इसलिए आपको गठबंधन से उम्मीद है? उम्मीद है। चलिए, गठबंधन से आपको कौन यहाँ से नेता बेहतर लगता है, किसको यहाँ से प्रत्याशी होना चाहिए? सरजीत सिंह को ही बनाएंगे हम तो सर। उनको क्यों? क्यों, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथी हैं, उनके पापा हमारे साथी थे, किसान है, हमारा साथ देंगे, हमें विश्वास है, आते हैं यहाँ। क्यों यहाँ आते हैं? विश्वास है, उनका साथ देंगे, उनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण करेंगे। आगे महिला आइए, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? कविता। कविता जी, क्या समस्या आपके गाँव की सबसे बड़ी? यही समस्या है कि मैं दिना गंगा नहर निकल रही है, सब कुछ चार गुना मुआवजा मिल गया, हमें देने को तैयार सरकार। क्यों, आपको क्यों नहीं दे रही है, क्या वजह है? बाकी सब लोगों को मिल गया। चोरी से अधिग्रहण कर लिया हमारे यहाँ का जी, बिना किसानों की मर्जी के, और हमें जानकारी नहीं इस बात की, पीछे से अधिग्रहण कर लिया उन्होंने। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? हम उन्हें वोट नहीं देंगे। वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए, सीधे तौर पर महिलाओं का ही नहीं और बाकी सारे ग्रामीणों का भी यही फैसला है कि अगर इनकी मांगे यहाँ पूरी नहीं की जाती हैं, इनको मुआवजा नहीं दिया जाता है समय पर जैसा जैसी इनकी मांग है, तो यहाँ इस गांव ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा, वह भाजपा के खिलाफ यहाँ के लोग वोट करेंगे। जी, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में केंद्र में आप किसकी सरकार चाहेंगी, भाजपा या गठबंधन? गठबंधन सरकार चाहेंगे। गठबंधन की क्यों? क्योंकि हमारा साथ देंगे, पूरा विश्वास उनके ऊपर, किसान नेता है जी, हमारे यहाँ कई बार आए भी हैं। कौन आए हैं? ये सरजीत सिंह पपसरा वाले। सरजीत सिंह जी पपसरा वाले, यही क्यों? और भी तो लोग हैं जो जाट समाज के लोग टिकट मांग रहे हैं यहाँ से? नहीं, और यहाँ कोई आए तो हम किसी को क्या जानते हैं, हम तो पड़ोसी बनाएंगे, हम उसका साथ देंगे। चलिए, जो हमारा साथ देगा ये उनका साथ देंगे। आगे बात करें, आगे भी और महिला है। जी, आपका नाम? निर्दोष। निर्दोष जी, क्या समस्या आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी? समस्या सबकी यही है जो इन्होंने बोल दी, सबकी बार बार कहने से भी क्या, लेकिन हमने मोदी जी योगी जी पे पूरा विश्वास करा था कि हमें ऐसा नहीं होने देंगे जो हम इतने मायूस हो, लेकिन वो हमारे बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे। वैसे वो कहते थे बेटी बचाओ और ये करो वो करो, बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन कोई वादा नहीं पूरा हो पा, इसलिए हम गठबंधन पे अपना विश्वास। चलिए, इस बार जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछली बार इन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा पर भरोसा जताया था, लेकिन अब क्योंकि इनकी जमीनों का दाम इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसान सिर्फ जो अपनी जीविका चलाता है जमीन के भरोसे ही चलाता है, उसी में गन्ना उगाता है, उसी में अनाज उगाता है, लेकिन जब वो जमीन का टुकड़ा उसके पास नहीं रहेगा, उसके जमीन के टुकड़े का उसको सही मुआवजा नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। आगे बात करेंगे, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या केंद्र में भाजपा की सरकार फिर से बनेगी या फिर गठबंधन पर विश्वास जताएंगे? भाजपा पर कैसे विश्वास करें हम, जब हम कब से लेकर यहाँ बैठे हैं, किसी ने आके देखा हमें? योगी जी के पास भी गए, मोदी जी को भी, और मतलब सभी पे भाजपा वालों पर सब पे जा चुके हैं, लेकिन किसी ने हमें कोई आकर नहीं देखा। हमें भूख हड़ताल भी हमने करी, सारे त्योहार हमारे यहीं पे निकल गए, लेकिन किसी ने भी आकर नहीं देखा। भूख हड़ताल अब भी चल रही है हमारी महिलाओं की, हम मर जाए कुछ भी है, लेकिन हम नहर भी नहीं कूदने देंगे, तो हमें मुआवजा नहीं मिलेगा। सब महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे रहते हैं हम रात भी दिन। आपकी राय में अमरोहा के एमपी कौन होना चाहिए? अब देखो, अमरोहा के वैसे जो हमारी मर्जी से होगा तो हर सम तो इन्हें बुलाएंगे, सरजीत सिंह को ही बनाएंगे। सरजीत सिंह जी को। अच्छा, गठबंधन को अपना प्रत्याशी किसको बनाना चाहिए? अब वो तो सबका ही विचार है, जहाँ होगा सरजीत सिंह को ही बनाएंगे बस। सरजीत सिंह जी को बनाएंगे, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनके इनके यहाँ पड़ोस में आते हैं। चलिए आगे बात। जी, आपका नाम? रेखा देवी। रेखा देवी जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सत्ता में वापसी करने वाले हैं, 2400 प्लस की बात कर रही है, 400 से ज्यादा एमपी लेकर के आएंगे इस बार, और मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, क्या सत्ता में वापस आएगी भाजपा? जी, हमें नहीं लगता। क्यों? जब हमारा कुछ यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा तो हमें क्या लगेगा, है हम यहाँ पे मर रहे हैं, कट रहे हैं, सब बात है, और अब बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़े रहते हैं, बच्चे भी भूखे रहते हैं, कोई टाइम नहीं देखते, आधी रात भजे चले आते हैं, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता यहाँ देखने का, है? तो हम क्यों देंगे, क्यों हम उन पे विश्वास जताएं? और विश्वास करते, अगर वो हमें विश्वास दिलाते कि हाँ भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, तो हम उन पे विश्वास करते। हम उन पे विश्वास किस वजह से कर लें, है? नहर खुदी पड़ी है, आगे को रास्ता हमने बंद कर रखा है, क्यों कर रखा है? क्योंकि हमें मुआवजा नहीं मिल रहा, इसलिए हमने बंद कर रखा है। जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिल जाएगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं हटेंगे, बिल्कुल डट के हमारा ये है, हम उन पे विश्वास रत्ती भर अब करते ही नहीं। तो इस बार लोकसभा में किसके पास जाएंगे आप, किसको वोट करेंगे? हम तो यही गठबंधन है हमारे, गठबंधन को। जी हाँ, यहाँ से गठबंधन से कौन प्रत्याशी होना चाहिए आपकी राय में? यही हमारे पपसरे वाले सरजीत सिंह।
सरजीत सिंह जी, चलिए सरजीत सिंह जी को बात करें। सीधे तौर पर इनका कहना है कि यहाँ एक साल से बुजुर्ग महिला युवा और उनके बच्चे यहाँ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और ना तो अधिकारी उनकी उनकी बात सुनते हैं, ना ही सरकार उनकी बात सुन रही है, ना ही भाजपा के नेतागण उनकी बात सुन रहे हैं। ऐसे में जिस सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जब वही इनकी इनको यहाँ नहीं पूछ रहे हैं, उनकी समस्या का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा के साथ ये लोग कैसे चले जाएंगे? आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मिथिलेश। मिथिलेश जी, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपको वोट करना है अपने एमपी के लिए, किसकी सरकार बनाएंगी इस बार केंद्र में, भाजपा की या फिर गठबंधन? गठबंधन की। गठबंधन की क्यों? गठबंधन ही हमारे साथ है, बाकी कोई हमारे साथ नहीं है। सरजीत सिंह भी आते हैं जो हमें भूखे प्यासों को देखते हैं, बाकी कोई नहीं आता है यहाँ। हमें एक साल हो गया है बैठे बैठे, भूख हड़ताल पे भी कोई नहीं आया यहाँ पे भाजपा का। लेकिन भाजपा तो बड़े बड़े दावा कर रही है कि हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, किसानों का उत्थान किया है। दावे से क्या होता है, जब हम भूखे मर रहे हैं, हमें कोई देखने नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे उनका दावे? दावे तो जब समझो, जब हमें पैसा दें चार गुना देंगे तभी तो देंगे कुछ साथ उनका। हमें तो ऐसा लगता है ना, कुछ है ही नहीं कहीं और की निगाह में नहीं देंगे। चलिए, भाजपा के प्रति रोष इस गांव में देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर, वो इस नहर की है। नहर को लेकर के इस पूरे गांव में अभी लगभग, यहाँ प्रधान जी से बात करूंगा, यहाँ कितने वोट होंगे आपके क्षेत्र में? 1000 वोट है इस गांव को। देखिए, कुबी गांव की अगर मैं बात करूँ, यहाँ 1000 मतदाता है, तो सीधे तौर पर अगर भाजपा का नुकसान हो रहा है, सीधे 1000 वोटों का नुकसान होता है और बहुत बड़े होते हैं एक वोट, क्योंकि हार और जीत के लिए एक वोट भी बहुत मायने रखता है। आगे बात करेंगे। आगे जी, आपका नाम? सूरज सिंह जी। सूरज सिंह। सूरज सिंह। सूरज सिंह। सूरज सिंह जी, अब आगे आइएगा, आपसे बात करेंगे जी। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, एक तरफ गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे कर रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के दावे कर रही है, क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, उन्हीं के साथ हैं हम, उन्हीं को वोट करेंगे। भाजपा हमारी तरफ पलट कर ही देख रही, हमें एक साल से ज्यादा हो गया पड़ा यहाँ पर, हमारे मतलब मुआवजा नहीं मिला, सबको चार गुना मुआवजा मिल गया, हमें नहीं मिला। जो हमारा गठबंधन है हमारा साथ देगी, उन्हें ही वोट करेंगे, वही हमारी जो ले रहे हैं वही खबर ले रहे हैं। भाजपा कोई भी नेता यहाँ तक हमें खबर लेने नहीं आया। लेकिन भाजपा तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, किसानों का उत्थान किया है, उनका कल्याण हुआ उनकी सरकार में। 6000 रुपए में क्या हो रहा है किसान का? हमारे तो करोड़ों की जमीन जा रही है एक आदमी की, 50000 रुपए बीघा जमीन दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं करने की, हम वोट गठबंधन क्यों करेंगे? अगर आपके अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ से आपका एमपी कैसा होना चाहिए? जो किसान का साथ दे वो ही ऐसा ही वो चाहिए हमें। आपके विचार में ऐसा व्यक्ति कौन है? सरजीत सिंह है। वही क्यों, और भी तो जात नेता है? नहीं, वही साथ दे रहे हैं, वही हमारे पास आते हैं, वही हमारी जो ले रहे हैं खबर वही ले रहे हैं। चलिए, यहाँ के सरजीत सिंह जी हैं, पूर्व सिविल जज हैं और अब यहाँ के वर्तमान में वह सपा से जुड़े हुए हैं और सपा गठबंधन से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से यहाँ टिकट की मांग कर रहे हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से। आगे बात करेंगे जी, आपका नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह है। जयवीर सिंह जी, ये बताएं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा करे 400 प्लस, क्योंकि राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, सब कुछ मान लिया, सब पालिश कर रहे हैं हम पर और जहाँ हमारा कुछ ना कर रहे हैं, तो हम इनकी गैल कैसे हो जाएंगे? हम हटने के ना यहाँ से मर जाएंगे और गोली चल जाए चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुआवजा सरकार ना देगी तो कोई ना कोई तो देगा, हम नहीं हटने के ऐसा। और दूसरा, आप नहीं हटेंगे, सरकार को हटा देंगे? सरकार को हटा देंगे, सरकार को हम बनाना है। जी, 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 सरकार के वोट से बनती है। फिर सरकार किसकी है? हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात जो है, ये योगी ईमानदार बन गया या तो आती बात आश्वासन दिया और हमारा कुछ करा नहीं आज तक, तो हम वोट कैसे दे देंगे? हमारा सब उस पर जाएगा, गठबंधन पर वोट। और हमारे 85 गांव है यहाँ जाटों के, सारा वोट वहां जाएगा। 85 गांवों का वोट गठबंधन पर, यूनियन है हमारी। हाँ, 85 गांवों का जी, हाँ यूनियन है हमारी। मैं आपको बता दूं, जो धरना चल रहा है ये भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चल रहा है और जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं उनके उनके उनकी सरपरस्ती में धरने का संचालन किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि क्योंकि किसान यूनियन की भारतीय किसान यूनियन की जो यूनियन है, इसका संगठन है, वो सिर्फ अमरोहा में ही नहीं है, पूरे यूपी में, पूरे देश भर में किसान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं।
उसी के तहत इस धरना प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की आपकी बात करूंगा। ठीक है जी, के द्वारा यूनियन यहाँ से चली थी रजबपुर था, वहाँ से ही हमारा गठबंधन है और यहाँ किसी की ताकत नहीं, नहर खोद ले इतना चार गुना नहीं मिलेगा, योगी हो या मोदी हो जी। चलिए सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि जब तक हम नहीं हटेंगे, अगर हम नहीं हटे तो इस सरकार को जरूर हटा देंगे, जैसा इनका कहना है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपका एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी हमारा वो होगा जो हमारा काम करेगा और हमारे स्तर से चलेगा, हाँ जो हमारी समाज से चलेगा, बस ऐसा एमपी हो। आपकी राय में ऐसा व्यक्ति कौन है यहाँ का राजनीति, ऐसा कौन है ऐसा व्यक्ति कौन है आपकी राय में? जीतेंगे जी। हाँ सरजीत सिंह जी क्यों, और भी तो जाटों में नेता हैं, जाटों में और भी ऐसा आ जा सका, भाजपा में भी जाट नेता है, सपा गठबंधन में भी जाट नेता है, मानना मानना कोई एक झाक ले तो आया ही ना जी, यहाँ को हम लोग आ जाते बहुत। हाँ सर जी थेंगे हमारा, वही साथ दे रहे हैं, वही निभा रहे हैं और सारे काम और भी आ रहे हैं, ये तो बकवास तो बहुत करते फिर रहे हैं, पर हम मानने किसकी ना है सर। चलिए ये देखा जैसे आपने, कुवी गांव के लोग हैं भाजपा के कार्यशैली से त्रस्त हैं, क्योंकि उनकी मांग यहाँ पर नहीं की जा रही है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, बेहद पीड़ित यहाँ के लोग दिख रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से और उन जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा कि इन किसानों की समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि एक साल बहुत बड़ा वक्त होता है, ये किसान अपनी बात को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, इनके बच्चे यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और आप लोगों ने जैसा देखा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सीधे तौर पर अमरोहा लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा का विरोध करेंगे और सीधे तौर पर गठबंधन को समर्थन करने की बात ये लोग कह रहे हैं, और यहाँ से सरजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाने की ये लोग मांग यहाँ से कर रहे हैं। मैं आशिकिन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ, नए शहर के साथ, नए गांव के साथ, नए मतदाताओं के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जीपीएन 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही, देखते रहिए जीपीएन 7 न्यूज।